पिटी हुई गोट। दिवाली का दिन, चीना पीक की जानलेवा चढ़ाई को पार कर जुआरियों का दल दुर्गम बीहड़ पर्वत के वक्ष पर दरी बिछाकर बिखर गया था। एक ओर एक बड़े से हंडे से बेनीनाग की हरी पहाड़ी चाय के भभके उठ रहे थे, दूसरी ओर पेड़ के तने से सात बकरे लटकाकर आग की धुनी में भुने जा रहे थे। जलते पशम से निकलती भयानक दुर्गंध सिगरेट व सिगार के धुएं से मिलकर अजब खुमारी उठ रही थी। नैनीताल से चार मील दूर एक बीहर पहाड़ी पर जमा ये अड्डा आवारा रसिक जनों का नहीं था। 7-8 हजार से कम हस्ती का आदमी वहां प्रवेश भी नहीं कर सकता था। टेढ़ी खद्दर की टोपी को बांकी अदा से लगाए तरुण नेता महिम भट्ट, भालदार कुंदन सिंह, कुंवर लाल बहादुर, सुंदर जोशी आदि एक से एक गणमान्य व्यक्ति महालक्ष्मी का पूजन प्रसादी ग्रहण कर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते, छाती से ताश की गड्डी चिपकाकर, टेढ़ी आंखों से दूसरे खिलाड़ी के पत्तों की गृह स्थिति भांपना, झूठी गीदड़ भपकियां देकर चालें चलना, उन सिद्धस्त पारंगत खिलाड़ियों के बाएं हाथ का खेल था। उनके दायरे में प्रायः 8-10 ही खिलाड़ी रहते थे, क्योंकि चीना पीक के उस बादशाही खेल की चालें चलना हर किसी के लिए संभव नहीं होता था। मिनटों में ही वहां 1000 की चाल तिगुनी कर पत्ते खुलवाए जाते, कभी कत्थे और चीड़ के ठेके दांव पर लगाए जाते और कभी आवारा पाटा और अपर चीना स्थित भव्य साहबी बंगले। नैनीताल के कई लखपति चीना पीक की उस वीरानी से वीरान बनकर लौटे थे, फिर भी प्रत्येक महालया को उसी धूम और उसी गरज तरज से फिर अड्डा जमाया जाता। कल रात सुना चीनियों ने हमारी 3 चौकियां और जीत ली। लाल शाह ने हाथ में सुरती मलकर अपने मोटे लटके होठों को भीतर भरकर कहा, अबे हटा भी, कहां की मनहूस खबर ले आया, सारे पत्ते बिगाड़ दिए। लाल शाह ने कुहनी से मारकर विक्रम पालथी समेत ओट में अपने पत्ते देखकर बोला, ले देखें चीनी एक हाथ हमारे साथ, 10-10 को इसी तरह पटक दूंगा। पत्ते पटाक से जमीन पर फेंक कर उसने कहा, पिछली बार वो अपनी शाहनी की शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार की नेपाली मूंग माला यहीं हार गया था, इसी से साधारण पत्तों पर वो झूठी चाल नहीं चल रहा था। लो भाई एक और चाल मेरी, चुटकियां बजाते महिम भट्ट ने 100 का नोट फेंका और गिद्ध दृष्टि से एक पल में न जाने किस जादुई शक्ति से सबके अदृश्य पत्ते भांप लिए। पत्तों की गरिमा उसके लाल आलू बुखारे से गालों पर उभर आई। मन के उत्साह को वो किसी प्रकार भी नहीं दबा पा रहा था। कभी चुटकियां बजाता, कभी खद्दर की टोपी को तिरछी करता, कभी गुनगुनाता और कभी जोर जोर से अंग्रेजी गानों की बेसुरी आवृत्ति ही किए जा रहा था। खेल रंग पकड़ रहा था। फरफराते होठों को एक बड़े से पत्थर से दबा दिया गया। महिम भट्ट की चाल ऐसी वैसी नहीं होती, ये सब जानते थे। वो शून्य में लटकने वाला त्रिशंकु नहीं था। एक एक कर सपने पत्ते डाल दिए, केवल एक व्यक्ति ही डटा रहा और वो था एक नौसिखिया खिलाड़ी गुरदास। कुछ खेलने की जिद कुछ चातुर्य से उकसाता खिलाड़ी महिम भट्ट उसे ले बैठे। पत्ते खुले तो वो 8000 हार गया था। दोनों हाथ झाड़कर वो उठने लगा तो लाल शाह ने खींचकर बैठा दिया। वाह वाह, ऐसे नहीं उठ सकते मामू, खेल ठीक 12 बजे तक चलेगा। अब है ही क्या जो खेलूं, गुरदास ने फटे गबरून के कोट की दोनों जेबें उलट दी। अमा है क्यों नहीं, वो साली मेवे की दुकान का क्या अचार डालोगे, लग जाएं दांव पर, महिम भट्ट ने चुटकियां बजाकर कहा और पत्ते बट गए। 12 बजने में 5 मिनट थे पर गुरदास की घड़ी में सब घंटे बज चुके थे।
वो कौड़ी कौड़ी कर जोड़ी गई 8,000 की पूंजी ही नहीं, बाप दादों की धरोहर भी अपनी प्यारी दुकान दांव पर लगाकर हार चुका था। ठीक घड़ी के कांटे के साथ ही खेल समाप्त हुआ। एक एक कर सब खिलाड़ी हाथों की धूल झाड़कर चले गए। कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के एक ठूंठ तने पर अपनी कुबड़ी पीठ टिकाए निष्प्राण सा गुरुदास शून्य गगन को एकटक देख रहा था। अब वो क्या लेकर घर जाएगा? उसकी प्यारी सी दुकान जिसकी गद्दी पर वो छोटी सी सग्गड़ में 3-4 गोबर और कोयले के लड्डू धमकाकर चेस्टनट, अखरोट और चेरी स्ट्रॉबेरी को मोतियों के मोल बेचा करता था, अब उसकी कहाँ थी? महीने की रसद लाने के लिए 5 का नोट भी तो नहीं था जेब में। टप टप कर उसकी झुर्री पड़े गालों पर आंसू टपकने लगे। फटी बांह से उसने आंखें पोछी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से कहा, वाह राजीव, क्या इसी हौसले से खेलने आए थे? कैसे मर्द हो जी, चलो उठो, घर चलकर एक बाजी और रहेगी। गुरदास ने मुड़कर देखा, उसका सर्वस्व हरण करने वाला महिम भट्ट ही उसे खींचकर उठा रहा था। क्यों मरे सांप को मार रहे हो भट्ट जी, अब है ही क्या जो खेलूंगा? बूढ़ा गुरदास सचमुच ही सिसकने लगा। वाह जी वाह, है क्यों नहीं, असली हीरा तो अभी गांठ में ही बंधा है। लो सिगार पियो, कहकर महिम ने अपनी बर्मी चुरुट जलाकर स्वयं गुरदास के होठों से लगा दी। बढ़िया तंबाकू के विलासी धुएं के खखार में गुरदास की चेतना सजग हो उठी। कैसा हीरा भट्ट जी? महिम ने उसके कान के पास मुख ले जाकर कुछ फुसफुसा कर कहा और गुरदास चोट खाए सर्प की तरह फुफकार उठा। शर्म नहीं आती रे बामण, क्या तेरे खानदान में तेरी माँ बहनों को ही दांव पर लगा दिया जाता था? पर महिम भट्ट एक कुशल राजनीतिज्ञ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन ने उसकी बुद्धि को देशी उस्तरे की धार की भांति पैना बना दिया था। मान अपमान की मधुर तिक्त घूंटों को नीलकंठ की ही भांति कंठ में ग्रहण करते करते वो एकदम भोलानाथ ही बन गया था। कड़ाके की ठंड में आहत गुरुदास की निवीर्य मानवता को वो कठपुतली की भांति नचाने लगा। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या अपनी महिमा घोती थी? हो सकता है दाजीव तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी के ग्रह तुम्हें एक बार फिर बादशाह बना दे। अपनी मीठी बातों के गोरख धंधे में गुरदास को बांधता महिम भट्ट जब अपने द्वार पर पहुंचा तो बूढ़ा उसकी मुट्ठी में था। देखो इसी सांकल को जरा सा छटका देना और मैं खोल दूंगा। निश्चित रहना दाजीव, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दूंगा। बिना कुछ उत्तर दिए ही गुरदास घर की ओर बढ़ गया। दिन भर वो अपनी छोटी सी दुकान में चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी और अखरोट बेचता था। उसकी दुकानदारी सीजन तक ही सीमित थी। भारी भारी बटुए लटकाए टूरिस्ट ही आकर उसके मेवे खरीदते। पहाड़ियों के लिए तो स्ट्रॉबेरी और अखरोट, चेस्टनट घर की मुर्गी दाल बराबर ही थे। डंडी मारकर बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि से वो 10,000 जोड़ पाया था। 2,000 शादी में उठ गए थे। 63 वर्ष की उम्र में उसने एक बार भी जुआ नहीं खेला था, किंतु आज लाल के बहकावे में आ गया था। लाल उसका भांजा था। हद है मामू, एक दांव लगा कर तो देखो, क्या पता एक ही चोट में 20,000 बना लो, ना हो तो एक हाथ खेल कर उठ जाना। तू आज भीतर से कुंडी चढ़ाकर खा पीकर सोए रहना, मुझे भीमताल जाना है, उसने पत्नी से कहा और गबरून के फटे कोट पर निकलने को ही था कि कुंदन लगी नथ के लटकन की झटक ने उसे रोक लिया। सुभग नासिका भरी नथ के भार से और भी सुघड़ लग रही थी। 18 वर्ष की सुंदरी बहू को बिना कुछ कहे भला कैसे छोड़ आते? अरे सुन तो, कहकर उन्होंने पत्नी को खींच छाती से लगाकर कहा, तू जो कहती थी ना
कि पिथौरागढ़ की मालदारिन की सी सतलर तुझे गढ़वा दूं? भगवान ने चाहा तो कल ही सोना लेकर सुनार को दे दूंगा। बिना कुछ कहे चंदो पति से अपने को छुड़ाकर प्रसाद बनाने लगी। 3 वर्ष से वो प्रत्येक दिवाली पर पति का यही व्यर्थ आश्वासन सुनती आई थी। उधर बूढ़ा लहसुन भी खाने लगा था। ऐसी दुर्गंध आई कि उसका माथा चकरा गया। रिश्ते में बहू लगने पर भी वो चंदो की हम उम्र थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। मामी जी, आज खूब मन लगाकर लक्ष्मी जी को पूजना। मामा जी 10,000 लेकर जुआ खेलने गए हैं। अपने सुंदर चेहरे से नथ का कुंदन खिसकाकर वो बोली। जलते घी की सुगंधी से कमरा भर गया। हट आई है बड़ी। उन बेचारों के पास 10,000 होते तो कार्तिक में मेरी ये गत होती। फटे सलूके से उसने अपनी बताशे सी सफेद कूनी निकाल कर दिखाई। तुम्हारी कसम मामी, ये भी तो गए हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। चंदो कढ़ाई में पूड़ी डालना भी भूल गई। कल ही उसने गर्म सलूके के लिए कहा तो गुरुदास की आंखों में आंसू आ गए थे। चंदो, तेरी कसम जो इस सीजन में 1 पैसा नफा मिला हो। न जाने कहाँ के भिकमंगे आकर नैनीताल में जुटने लगे हैं। अखरोट चेस्टनट क्या खाएंगे, 2 आने की मूंगफलियां ही लेकर टूंग लेते हैं। मेरा कोट देख, कहकर उसने कोट की फटी खिड़की से कुर्ते की बाँह ही निकाल कर दिखा दी। तू कहती क्या है बहू, 10,000 उनके पास कहाँ से आएंगे? लो और सुनो, लाल बहू झुंझला उठी। तभी तो ये कहते हैं कि मामा जी ने पुण्य किए थे जो मामी जैसी सती लक्ष्मी मिली। मिलती कोई ऐसी वैसी तो जानते कै बीसी सैकड़ा होते हैं। चलूं भाई, मुझे क्या, तुमसे माया प्रेम है, इसी से ना चाहने पर भी मुंह से निकल जाती है। वो चली गई तो चंदो सोच में डूबी बैठी रही। सचमुच वो लक्ष्मी थी, सतयुग की लक्ष्मी, जिसका सुनहरा चित्र कलयुगी चौखटे में एकदम ही बेतुका लगता था। 3 वर्ष पहले उसके दरिद्र माता पिता पिथौरागढ़ के अग्निकांड में भस्म हो गए थे। तभी उसने चावल चखे भी नहीं थे। मानिरा के मान से गुजर करने वाला उसका दरिद्र परिवार नष्ट हुआ तो बिरादरी वाले उस अनाथ सरल बालिका को नैनीताल के एक दूर के रिश्ते के ताऊ के मत्थे पटक गए। प्रायः ही वह गुरुदास की दुकान पर सब्जी लेने जाती। कद्दू मूली और पहाड़ी बंडे के बीच खड़ी उस रूप की रानी पर साहजी पूरी तरह रीझ गए और एक अंधे के हाथ बटेर लग गई। 60 वर्ष के साह ने सेहरा बांधा तो नैनीताल के उत्साही तरुण छात्रों ने काले झंडे लेकर जुलूस भी निकाला, पर जुलूस के पहले ही पिछवाड़ी से साहजी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुके थे। वो साहजी की 3री पत्नी थी। इसी से उसका जी करता था कि उसे भी चूल्हे के नीचे अपनी 10,000 की संपत्ति के साथ गाड़ कर रख दे। पर धीरे धीरे उस सौम्य संत बालिका के साधु आचरण ने उसके शक्की स्वभाव को जीत लिया। ना वो पास पड़ोस में उठती बैठती, ना कहीं जाती। गुरदास दुकान पर जाता तो वो अपने प्रकाशविहीन कमरे में पति की पूरी बाह के जीर्ण स्वेटर को उधेड़ कर आधी बाह का बनाती, तो कभी आधी बाह के पुराने बनियान से मोजे बनाती। गुरदास नया ऊन तो दूर, सलाइयाँ भी लेकर नहीं देता था। एक बार उसने सलाइयों की फरमाइश की तो चट से गुरदास ने अपने पुराने छाते से ही मोड़ मार कर विभिन्न आकार की 4 जोड़ा सलाइयाँ बना दी। किंतु पड़ोसिनों और आत्मीय स्वजनों के उभारे जाने पर भी चंदो ने कृपण पति के प्रति बगावत का झंडा नहीं खड़ा किया। उसे सचमुच ही पति के प्रति अनोखा लगाव था। उस लगाव में प्रेम कम, कृतज्ञता ही अधिक थी। किंतु बचपन से ही वो बूढ़ी दादी और पतिपरायण माता से पति भक्ति का ही उपदेश सुनती आई थी।
पति के द्रोह करने वाली स्त्री की ऐसी दशा होती है। दादी ने अपड़ भोली बालिका को कल्याण में चील कौओं से नोची जाने वाली छटपटाती स्त्री का चित्र दिखाकर बताया था। फिर गुरुदास उसे बड़े ही प्यार से पुचकार कर बुलाता, बड़े से दोने में भरकर जलेबी लाने में वो कभी कंजूसी नहीं दिखाता था। और जिसे जीवन के 15 वर्षों में मिठाई तो दूर, भरपेट अन्न भी ना जुटा हो, उसके लिए नित्य जलेबी का दोना पकड़ाने वाला पति परमेश्वर नहीं तो और क्या होगा। गुरदास चंदों के अंधकारमय जीवन का प्रथम प्रकाश था। वो अपनी खिड़की से नित्य नवीन साड़ियों में मटकती सीजन की सुंदरियों को देखती तो कभी उसे डाह नहीं होता। गुरदास दुकान लौटता, सकरी सीढ़ियों पर पति की फटीचर जूतियों के फत फत सुनकर वो आश्वस्त होकर उठती, गरम राख के अंगारे निकालकर आग सुलगाती, चाय बनाकर पति को देती, उंगलियां चाट चाट कर चटखोरे लेती, जलेबी का दोना साफ करती और फिर नित्य मंदिर जाती। मंदिर के रास्ते में उसे प्रायः ही डिग्री कॉलेज के मनचले लड़के वैजंती माला कहकर छेड़ भी देते, पर उनके फिल्मी गाने, सीटियां और हाय हुए उसे छू भी नहीं सकते। वो सिर झुकाए मंदिर जाती, नित्य देवी से आंखें मूंद कर एक ही वरदान मांगती, मेरा सौभाग्य अचल हो माँ। शायद उसकी सरल निष्कपट प्रार्थना ने बूढ़े गुरदास के समग्र रोगों से एक साथ मोर्चा ले लिया था। उसी बुढ़ापे में भी वो लहलहाने लगा था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने गुरदास के कृपण स्वभाव की आलोचना को नित्य नवीन रूप देकर चंदों को भड़काने की कई चेष्टाएं की, पर वो विफल ही रहीं। रवि, सोम और बुध को चंदो मौन व्रत धारण करती थी। मंगल, शनि को पहाड़ की स्त्रियां मिलने मिलाने कहीं नहीं जाती। बृहस्पति को वो दल बांध कर आती, पर गुरुदास का प्रसंग छिड़ते ही चंदो कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ जाती। आज लाल बहू ने उसका चित्त खिन्न कर दिया था। जिस पति को देवता समझकर पूजती थी, क्या वही उसे धोखा दे गया? उसका नियम था कि वो पति के आने तक सदा बैठी रहती। आज भी वो बैठी थी। पति के परिचित पदध्वनि सुनकर वो उसे असंख्य उपालंभों से बींधने को व्याकुल हो उठी, पर सौम्यता और शील ने उसके चित्त पर काबू पा लिया। हंसकर वो पति का स्वागत करने बढ़ी, पर पति के सूखे चेहरे ने उसे पीछे धकेल दिया। हार तो नहीं गए चंदो? गुरदास का गला भर आया। 10-11 दिए अभी भी टिमटिमा रहे थे। उन्हीं के अस्पष्ट आलोक में पति के कुमलाए चेहरे को देखकर चंदो का हृदय असीम करुणा से भर आया। ममता तो अपने पाले कुत्ते पर भी हो आती है, फिर वो तो उसे ही पालने वाला स्वामी था। तू जल्दी पंखी डालकर मेरे साथ चल। कहाँ चलने को कह रहे हैं इतनी रात? बिना कुछ कहे ही चंदो ने अपनी गूंगी दृष्टि पति की ओर उठाई। तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा चंदो, 8,000 और दुकान सब कुछ हार गया हूँ। महिम कहता है कि घर की लक्ष्मी को बगल में बैठाकर दांव फेंकूं तो शायद जीत जाऊं, चलेगी ना? वो गिड़गिड़ाने लगा। सरल निष्कपट चित्त के दर्पण में संसार की कलुषित फरेबी चालें कितनी स्पष्ट हो निखर आती हैं। चंदो पलक मारते ही सब समझ गई। आधी रात को उसका पति उसे महिम भट्ट के यहाँ दांव पर लगाने के लिए ले जा रहा था। 2 ही दिन पहले वो मंदिर के द्वार में महिम भट्ट से टकरा गई थी। कैसा सुदर्शन व्यक्ति, किंतु कैसी कुख्याति थी उसकी। पास पड़ोस में नित्य ही वो उसके दुर्दांत कामी स्वभाव के बातें सुनती थी। वो युवती विधवाओं के लिए व्याघ्र था। कितनी ही अल्हड़ किशोरियाँ उसके वैभव और व्यक्तित्व से रीझकर लट्टू सी घूमने लगती थीं। फिर भी ना जाने अन्यायी में कैसा जादू था कि एक बार देखने पर सहज ही मैं दृष्टि नहीं लौटती थी। चल चल चंदो, देर मत कर। उसे अपनी फटी पंखी में लपेट कर
द्वार पर ताला लगाकर गुरदास उसे निर्जन सड़क पर खींच ले गया। महिम भट्ट के पिछवाड़े से होकर दोनों उसके गुप्त द्वार पर खड़े हो गए। लोहे की विराट सांकल पर लगी छोटी सी घंटी को दबाते ही द्वार खुल गया। आइए भौजी, आइए आइए, मेरे अहो भाग्य जो कुटिया को पवित्र तो किया आपने। महिम के काले ओवर के कोट से उठती सुगंधी की लपटों ने चंदों को बांध लिया। एक सकरी गैलरी को पार कर तीनों महिम की कुटिया के दीवान खाने में पहुंचे तो उसका वैभव देखकर चंदो दंग रह गई। छत से एक अजीब झाड़ फानूस लटक रहा था जिसकी नीलभ रोशनी में फटी पंखों में लिपटी कृष्काय चंदो बुरी बुद्ध सी खड़ी रह गई। बैठो बैठो भौजी, लो गरम कॉफ़ी पियो। पास ही धरे कीमती थर्मस से कॉफ़ी डालकर महिम ने कहा। चंदो सकुचाकर पति की ओट में छिप गई। ओहो दाजीव, ऐसे हीरे को तो इस गुदड़ी में ना छिपाया होता। ठीक ही तो कहते हैं कि गुदड़ियों में ही लाल छिपे होते हैं। लो भौजी ये शॉल ओढ़ो, ये पंखी तो तुम्हारा अपमान कर रही है। अपना कीमती पश्मीना उसकी ओर बढ़ाकर महिम ने कहा। लज्जावनता चंदो ने प्याला थामा तो दोनों हाथों से पकड़कर ओढ़ी गई पंखी नीचे गिर पड़ी। नीचे क्या गिरी कि कृष्ण मेघ को चीर कर धौत चंद्रिका छिटक गई। सब भूल भाल कर महिम उसे ही देखता रहा। ऐसा रूप, क्या रंग था, क्या नक्श, और बिना किसी बनावटी उतार चढ़ाव के। चंदन से देह का क्या अपूर्व गठन था। लज्जा, शील और भय से सारे शरीर का रक्त चंदो के चेहरे पर चढ़कर सिंदूर बिखेर उठा। नारी सौंदर्य का अनोखा जौहरी महिम उसके अंग प्रत्यंग की सच्चाई को अपने अनुभव की कसौटी पर कस रहा था और खरे कुंदन की हर लीक उस पद पद पर मत कर रही थी। अच्छा, अब देर कैसी भट्ट जी, हो जाए आखिरी दांव, गुरदास ने प्याले की चीनी को उंगली से चाट कर कहा। क्यों नहीं क्यों नहीं, महिम ने चांदी के पानदान से कस्तूरी बीड़ा दोनों की ओर बढ़ाकर कहा। दांव तो लगा रहे हो दाजीव, पर क्या भाभी से पूछ लिया है। विजयी मुंहपट उद्दाम यौवन की चोट से गुरदास की जर्जर काया कांप उठी। बुरा मान गए दाजीव, महिम ने बीड़े से गाल फुलाकर कहा। हिसाब किताब साफ रखना होता है। देखो भाभी, दाजीव आज सब कुछ मुझसे हार गए हैं। तुम्हें ही दांव पर लगाने का सौदा तय हुआ है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हार ही जाएं। हो सकता है कि तुम्हारी शकुनिया देह की बाजी इन्हें खोए 8,000 दिलाकर एक बार फिर मेवे की दुकान पर बैठा दे। पर अगर हार गए तो तुम आज ही रात से मेरी रहोगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक रात्रि पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। मैं इसका विशेष प्रबंध रखूंगा कि तुम्हारे पति की हार और मेरी जीत का भेद प्राण रहते हम तीनों को छोड़कर और कोई भी नहीं जान पाएगा। तुम्हारी अटूट पति भक्ति का बड़ा दबदबा है और इससे मुझे बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हारे पति यदि हार गए तो। बीच ही में महिम को रोककर गुरदास क्रोध से कांपता खड़ा हो गया। गुस्सा आने पर बलगम का गोला घर घर कर पुरानी जीप के इंजन की भांति उसके गले में घर घराने लगा। अवरुद्ध कंठ से दोनों मुट्ठियां भींच कर वो बोला, मैं कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो दाजीव, जल्दी क्या है, बैठो तो सही। मुस्कुराकर महिम ने उसे हाथ पकड़कर बैठा दिया और ओवरकोट उतारकर पत्ते हाथ में ले लिए। गरम धारीदार नाइट ड्रेस में सुदर्शन तेजस्वी नरसिंह महिम भट्ट पान और दोखते से अपने विलासी अधरों की मुस्कान बिखेरता गांव तकिए के सहारे लेटा पत्ते बांटने लगा। दूसरी ओर गबरून के कोट की फटी कोहनियों से लहसुन की गांठ की हड्डियां निकाले दो रंगी मफलर से
अपनी लाल गीली नाक को बार बार पोंछता गुरदास जोर से देवी कवच का पाठ कर रहा था। रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। उन दोनों विवेक भ्रष्ट जुआरियों के बीच कांपती थरथराती चंदो कुमाऊं की सरला पतिव्रता किशोरी, जिसके लिए पति की आज्ञा कानून की अमिट रेखा थी, जो पति की आदेशपूर्ण वाणी को ब्रह्म वाक्य समझकर ग्रहण करने को सदा तत्पर थी। पत्ते बटे, चाले चली गईं, गुरदास के बूढ़े चेहरे पर सहसा जवानी झलकने लगी। खुशी से झूमकर बूढ़ा नाच नाच कर महिम के सामने ही चंदों को पागलों की तरह चूमने लगा। वो बेचारी लज्जा से मुंह ढाँप कर पीछे हट गई। ठीक है दाजीव, दिल के अरमान निकाल लो, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया, अपने पत्तों को चूमकर मुहिम ने माथे से लगाकर कहा। अबे जा हट, आया बड़ा मौका देने वाला, ऐसे पत्ते ब्राह्मणों के पास नहीं आया करते, वैश्य पर ही लक्ष्मी जी कृपालु होती हैं। हाँ, गुरुदास ने फिर अपनी नाक पोंछ कर कहा, क्यों नहीं, पर मैं तो तुम्हें आगाह किए दे रहा हूँ दाजीव, जरा संभल के आना, यहाँ अभी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। महिम ने चाल तिगुनी की, पत्तों को बार बार चटखारे लेकर चूमता व चंदों की ओर देखकर ऐसी धृष्टता से मुस्कुरा रहा था जैसे पत्तों को नहीं उसे चूम रहा हो। गुरदास ने देख लिया और गुस्से से भर भरा कर वो पत्ते पकड़ कर उठ गया। उसका शक्की स्वभाव अब तक खेल की लग्न में कुंडली मारे सर्प की तरह छिपा था। देखो, हम ताश खेलने आए हैं, इशारेबाजी नहीं देखते। वाह यार दाजीव, कैसे खिलाड़ी हो, ट्रेल आने पर ही पत्ते चूमे जाते हैं, महिम के स्वर में अहंकार था। किसे सुना रहे हो गुरु, यहाँ भी ट्रेल है, बूढ़ा बुरी तरह हांफने लगा। कोई बात नहीं, इसमें घबराहट कैसी, लाखों ट्रेले देखी हैं शाह जी। द्यूत क्रीड़ा के छिपे दानव ने दोनों को सहसा विवेक की चट्टान से बहुत नीचे पटक दिया। चंदो बेचारी के लिए सब कुछ नया था, वो दोनों हाथ गोदी में धर आंखें फाड़कर दोनों को देख रही थी। उसकी विस्फारित भोली दृष्टि देखकर महिम से नहीं रहा गया। तो लो दाजीव, खोलो पत्ते, इसने 100 का नोट फेंका और अपने पत्ते भी खोल दिए। तीन तीन इक्कों की ट्रेल ने बूढ़े की छाती में तीन तीन नंगी संगीने घुसेड़ दी। उसके हाथ से गिरी पान हुकुम और ईंट की बेगमें जमीन पर सिर धुनने लगी। वाह वाह, तीन तीन बेगमें भी तुम्हारी चौथी बेगम को नहीं बचा सकी, महिम ने हंसकर कहा। गुरुदास कुछ देर पत्थर की तरह बैठा रहा, फिर अपने गंदे रुमाल से आंख और नाक की जल धारा पोंछता एक बार चंदों की ओर देखकर बुरी तरह से सकता किसी पिटे बालक की भांति गिरता पड़ता बाहर निकल गया। महिम ने कुंडी चढ़ा दी और बड़े प्यार से चंदों की नुकीली ठुड्डी हाथ में लेकर बोला, भाभी आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, जानती हो क्यों, आज संसार की सबसे बड़ी संपत्ति जीत चुका हूँ। बड़ी देर बाद कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के अंतिम प्रहर में कांपती चंदों को उसके ग्रह के जीर्ण जीने तक पहुँचाकर महिम तीर की भांति लौट गया। वो कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। गुरदास तड़के ही उठकर पाषाण देवी के मंदिर में नित्य माथा टेकने जाता था। वो चुपचाप फटी रजाई सिर तक खींचकर सो गई। कैसी नींद आई थी, बाप रे बाप, मामी मामी उठो, गजब हो गया, लाल बहू का कंठ स्वर सुन वो हड़बड़ा कर उठी। मामी मामा जी ताल में कूद गए, मंदिर के पुजारी ने देखा कांटा डाला है पर लाश नहीं मिली, नाश हो इन जुआरियों का, बेचारे को लूट पाट कर धर दिया। स्तब्ध चंदो
द्वार की चौखट पड़े ही धम से बैठ गई। किसने उसका सिंदूर पोंछा, किसने चूड़ियां तोड़ी और कौन नोचकर मंगलसूत्र तोड़ गई, वो कुछ भी नहीं जान पाई। वह पागलों सी बैठी ही थी। राम राम, बेचारा 8,000 नगद और दुकान सब कुछ ही तो दांव में हार गया। वही धक्का उसे ले गया। पंडित जी ने कहा, 16 बरस से मेरा यजमान था, बड़ा नेक आदमी था। अब तक चुप बैठी चंदो दोनों घुटनों में माथा डालकर जोर से रो पड़ी। एकाएक जैसे उसे रात की बिसरी बातें याद हो आईं। दुकान और 8,000 का धक्का नहीं, उसके पति को जो दूसरे ही दांव में हार का धक्का ले गया था, उसे क्या कभी कोई जान पाएगा।